सोना खाने से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे और कैसे इसको खाया जा सकता है। सोना पहनने से भी आपको आयुर्वेद में बताया कि विष हर है, आपके शरीर का जहर को ख़त्म करता है और इसकी भस्म के रूप में खाया जा सकता है और बहुत बड़े बड़े रोगों को ठीक करने की इसमें पावर होती है और सोने का वरक बना करके भी इसको खाया जा सकता है। इसके प्रयोग करने से, इसकी भस्म का प्रयोग करने से या इसके वरक को खाने से शरीर की शोभा बढ़ती है और कांति बढ़ती है, व्यक्ति सुंदर बन जाता है, बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और जो कलिष्ठ रोग हैं, जो दवाओं से हिल नहीं रहे हैं, तो स्वर्ण भस्म के इस्तेमाल करने से वे रोग समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत है, तो आप स्वर्ण भस्म अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसको भूत लगने भी बंद हो जाते हैं। काम शक्ति बढ़ती है और शरीर की पुष्टि करता है। इसका रस मधुर और कषाय है, गुणों में स्निग्ध है, लघु है, वर्ण्य है, रसायन वृष और रुचिकर, दीपक और वृगण है, यानी मोटा करने वाला है और उत्तम वाजिकर है, नेत्र वर्धक यानी दृष्टिवर्धक है और स्मृतिवर्धक है। यह राज यक्ष्मा और उन्माद यानी हिस्टीरिया, वात पित्त कफ के रोग और जितने भी जहर के रोग हैं, जहर खाया है या किसी रोग के कारण शरीर के अंदर जहर बन गया है, ये सर्व रोगों का नाश करता है। इसके कारण ये जरा अवस्था को दूर करता है, यानी कि बुढ़ापे को दूर करता है। बुढ़ापा समय पे आएगा, लेकिन आप युवाओं की तरह कार्य करेंगे, युवा की तरह आप दिखाई देंगे, आपकी आयु का कोई ज्ञान नहीं होगा। इसका वर्क का सेवन करने से जितने भी कृमि रोग हैं, राजयक्ष्मा है, तो ये ठीक होता है और शरीर वृंगण होता है, यानी कि भारी होता है, शरीर की कांति बढ़ती है और जिनको जोर रहता है, रमा हुआ जोर है, उनको वो ठीक करता है। दिल की कमजोरी को दूर करता है, दिल की धड़कनों को नॉर्मल करता है और यह नपुंसकता को दूर करता है। उर अक्षत और राजयक्ष्मा इन सब को ठीक करता है। इसलिए ये स्वर्ण भस्म अगर आप समृद्ध है, धनवान है, तो धन का प्रयोग करें अपनी आयु के लिए, अपने सुख के लिए। साल में 2 महीने आप स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करें या स्वर्ण योग का, उसके लिए आपको एक अनुभवी वेदों से, अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर के इसकी मात्रा सेट करा लें। अपने आप स्वर्ण भस्म लेकर के ना खाएं, क्योंकि ये व्यर्थ हो सकती है। आप अपनी अवस्था, अपना रोग, अपनी प्रकृति के हिसाब से चिकित्सक को दिखा करके इसकी मात्रा सेट करा लें। आज इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। नमस्कार।